नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के होने वाले वक्री गोचर की। देवगुरु बृहस्पति 20 जून 2021 को कुंभ राशि में वक्री गोचर करेंगे, यानी कि उल्टी चाल से चलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की ये जो उल्टी चाल है, ये 12 राशि वाले लोगों के लिए कैसी रहने वाली है, ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर ले, देवगुरु बृहस्पति जो है वो धन के कारक कहे गए हैं, स्वास्थ्य के कारक है, संतान सुख के कारक है, परिवार में जो भी आपको सुख प्राप्त होता है वो सभी के कारक देवगुरु बृहस्पति है, संपन्नता के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति अपनी उल्टी चाल चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 20 जून 2021 को रात्रि 8:15 बजे कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे, जो 14 सितंबर 2021 को सुबह 4:22 तक वक्री रहेंगे कुंभ राशि में। इसके बाद वक्री होते हुए ही ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक मकर राशि में ही वक्री रहेंगे। इसके बाद पुनः ये कुंभ राशि में मार्गी गति से आने लग जाएंगे। तो 14 सितंबर से पहले का जो समय है, यानी कि यू समझ लीजिए कि 20 जून 2021 से 14 सितंबर तक का जो समय है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके स्वास्थ्य के कारक भी होते हैं, देवगुरु बृहस्पति धन के कारक भी होते हैं, जीवन में जो भी आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त होती हैं उन सभी के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हैं तब तब कोई ना कोई परेशानी बढ़ती है, तब तब कोई ना कोई प्रजातंत्र में हानि होती है, और तब तक बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां प्रजातंत्र के पास होती है, यानी कि परेशान करने का काम हो जाता है, परेशानियां मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति 20 जून 2021 से 14 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में और 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक मकर राशि में वक्री रहेंगे। तो ये क्या उथल पुथल अपने जीवन में रखेंगे, क्या आपके लिए अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे, क्या आपके लिए बुरी चीज़ें लेकर आएंगे। वैसे देवगुरु बृहस्पति जब भी उल्टी चाल चलते हैं, चाहे कुंडली में हो चाहे गोचर में हो, कुछ ना कुछ परेशानियां होती ही है जातकों को, क्योंकि अच्छा ग्रह अगर वक्री हो जाए तो आपके लिए परेशानियाँ बढ़ जाती है, लेकिन अगर कोई बुरा ग्रह है तो वो आपके लिए वक्री होगा तो आपके लिए परेशानियां कम हो जाती है। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति इस जीवन में यानी कि संसार में हर जातक के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो वक्री हो रहे हैं, तो क्या अच्छा आपके लिए रहेगा, क्या आपके लिए बुरा रहेगा, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखते रहेगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। बात कर लेते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा गुरु का कुंभ राशि में वक्री गोचर। मकर राशि के जातकों के लिए गुरु उनके द्वादश भाव और तृतीय भाव के स्वामी है। वर्तमान स्थिति में यह आपके परिवार, वाणी, संचार आदि के द्वितीय भाव में वक्री गति करेंगे। इस गोचर के दौरान आपको कुछ अनचाहे खर्चे करने पड़ सकते हैं। वित्तीय असंतुलन के कारण आपकी जीवन शैली में भी इस दौरान बदलाव आ सकते हैं। गुरु के इस गोचर के दौरान आपको पैतृक संपत्ति मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आपको इस संपत्ति का सही इस्तेमाल कैसे करना है। इस गोचर के दौरान आप अपनी सुरक्षा को लेकर संवेदनशील हो सकते हैं और आप इस दौरान अपने पारिवारिक मूल्यों के बारे में सोच विचार तो अवश्य करेंगे, लेकिन इनका पालन आप नहीं कर पाएंगे। उपाय के तौर पर आप गुरुवार के दिन पीले चावल बनाएं और उनको लोगों में बांटें। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।